So if we talk about neem coated urea, that is release of nitrogen slowly lead to effective utilization of nitrogen. So urea, neem coated urea use karte the, yahan pe nitrogen धीरे धीरे रिलीज होती है, एट लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट रिलीज थ्रू द एटमोसफेयर. तो एटमोसफेयर कम पॉल्यूट होता है, इट लेस यूरिया इज रिक्वायर्ड, सो इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है फार्मर की, इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है एंड देन इट अरेस्ट द डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर द अदर पर्पजेज, ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाती है एंड गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन कम होता है. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द नीम कोटेड यूरिया. एज मोस्ट ऑफ द ट्री लैक इन नाइट्रोजन वी रिक्वायर्ड यूरिया एंड एक्सेसिव यूरिया यूज करते हैं तो नाइट्रोजन सारी यूटिलाइज नहीं कर पाते एंड इट इज रिलीज इन टू एटमोसफेयर एंड कॉज एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन लाइक एसिड रेन. देयरफॉर नीम कोटेड यूरिया इज अ सॉल्यूशन एंड लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन.